हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम माउस कर्सर का डिज़ाइन कटिया में क्रिएट करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लेफ्ट साइड का गाइड कर्सर क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, स्केच पोजिशनिंग करता हूँ। आर्क का रेडियस दिया है 240 mm, सेंटर से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है 58 mm, और टोटल लेंथ 224 mm। सेंटर से एक पॉइंट का डिस्टेंस हो जाएगा 224/2, और ये आर्क क्रिएट हो गया। तो इसके बाद अब मैं राइट साइड का गाइड कर्व क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो फिर से एक्स वाई प्लेन सिलेक्ट करता हूँ, इसका भी टोटल लेंथ 224, सेंटर से ऊपर वाले पॉइंट का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दिया है 45 mm, और नीचे वाले पॉइंट का डिस्टेंस दिया है 58 mm। ऊपर वाले आर्क का रेडियस 125 और नीचे वाला 418। तो हमें ऊपर वाले आर्क को कंसेंट करने के लिए यहाँ पे कोई भी डायमेंशन नहीं दिया गया है, तो इसलिए मैं इस डिस्टेंस को अजूम करता हूँ। तो ये डिस्टेंस मैं अजूम करता हूँ 85 mm। तो अब मैं ये वाला गाइड कर्व क्रिएट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ जेड एक्स प्लेन, आर्क का रेडियस 235 mm, इस पॉइंट से नीचे तक डिस्टेंस 30 mm, और इस साइड का डिस्टेंस 46 mm। टोटल लेंथ 224 mm, तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे तीन गाइड कर क्रिएट कर लिए हैं। तो अब मैं इन गाइड कर के ऊपर सेक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ, ये वाला। तो ये सेक्शन क्रिएट करने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस प्लेन क्रिएट करूँगा। तो प्लेन टाइप में सिलेक्ट करता हूँ थ्रू 3 पॉइंट, और यहाँ पर पॉइंट में गाइड करके एंड पॉइंट को सिलेक्ट करता हूँ, पॉइंट 1, पॉइंट 2 और ये पॉइंट 3। तो इस रेफरेंस प्लेन को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पर सेक्शन का स्केच क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे ये पॉइंट इस एज के साथ कोइंसाइड, ये पॉइंट इस वाले एज के साथ कोइंसाइड, और ये पॉइंट इस आर्क के साथ कोइंसाइड। आर्क का रेडियस दिया है 113 mm, और आर्क का सेंटर पॉइंट वर्टिकल एक्सिस के साथ कोइंसाइड। तो इसके बाद मैं क्रिएट करूंगा ये पीछे वाला सेक्शन। तो यहाँ पर भी
रेफरेंस प्लेन क्रिएट करता हूँ, पॉइंट वन, पॉइंट टू, पॉइंट थ्री। तो इस प्लेन पर भी सेक्शन का स्केच, तीनों पॉइंट एज पर कोइंसाइड, तो यहाँ पर मैं ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट के बीच का वर्टिकल डिस्टेंस को जीरो करता हूँ। तो ये दोनों पॉइंट हो गए कोइंसाइड और आर्क का रेडियस 120 mm। तो यहाँ पर आप देख सकते हो तीन गाइड कर और उनके सेक्शन। तो अब मैं यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ मल्टी सेक्शन सॉलिड कमांड। तो यहाँ पर सेक्शन में सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, ये फर्स्ट सेक्शन और ये सेकंड सेक्शन, और गाइड में तीनों गाइड कर को सिलेक्ट करता हूँ। तो आप देख सकते हो हमें यहाँ पे एरर दिखा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो क्लोजिंग पॉइंट टू इस पॉइंट पर है और क्लोजिंग पॉइंट वन इस पॉइंट पर है। तो यहाँ पर मैं क्लोजिंग पॉइंट वन को सिलेक्ट करता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, उसे रिप्लेस करता हूँ इस पॉइंट पर। तो आप देख सकते हो दोनों पॉइंट अभी इनलाइन आ चुके हैं और इसे ओके करता हूँ। तो हमें पिछले सेक्शन पे एज प्लेट देना है, ये एज और ये एज, रेडियस 25। इसके बाद यहाँ पर गाइड कर्व को भी एज प्लेट देना है, रेडियस दिया है 15 mm। तो अब हमें इस प्रोफाइल को शेल करना है, जिसका इनसाइड थिकनेस दिया है हमें 3 mm। शेल कमांड थिकनेस 3 mm और फेसेस टू रिमूव में ये फ्रंट फेस और ये बॉटम फेस। और इसके साथ ही हमारा ये कंप्लीट पार्ट क्रिएट हो चुका है। तो अब मैं आपको इसके व्यूज दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, और इसके बाद सेक्शनल व्यू। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।